तो इस जगदम्बा के कृपा से शरीर बना है, जिसमें पांच तत्व का ईट बना है, तीन गुण का गारा, छत टिशु की छाद बना है, चेतन है चेजारा। और इस बंगले के दस दरवाजा, बीच पवन का खंभा, इसमें हवा का खंभा लगा दिया है मेरी मैया ने। आवत जावत कुछ नहीं दिखा, ये भी एक अचंभा। आदमी सो जाता है लेकिन उसका सांस चलते रहता है, और सांस बंद तो खेल खत्म। ये हवा का खंभा बना हुआ है, और मैया ने सबको बराबर दे दिया है। और इस शरीर रूपी बंगला पर चौपड़ रखा है। कई लोग ताश खेलते रहते हैं, क्यों खेलते हो भैया? तो बोले टाइम पास करने के लिए। अच्छा, तुम नहीं खेलोगे तो टाइम रुक जाएगा वहीं पर। तो कोई लोग ताश से टाइम पास करते हैं, और कोई माँ के पास टाइम पास करते हैं। अरे माँ के पास बैठ गए तो यही आपका सच्चा समय है, और दुनिया के पास बैठ गए तो आपका सबसे खराब समय है। बच्चों के साथ लोग आजकल मोबाइले में दुनिया भर के क्या क्या खेलते रहते हैं और तमाशा है। यदि हम खुद बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो कैसे बनेगा? बच्चों को समझाओ, बेटा पढ़ रहे हो लिख रहे हो अच्छी बात है, लेकिन ये सब पढ़ाई लिखाई सब बेकार हैं, जब तक मेरी मैया का आशीर्वाद ना मिल जाए तो तुम हजार काम छोड़कर, इसे तो वेद पुराण ने बताया है, करोड़ काम छोड़ करके पूजा पाठ करो, लाखों काम छोड़कर स्नान करो, हजारों काम छोड़कर भोजन करो, तो आपका सबसे बड़ा काम है पूजा पाठ। और पूजा पाठ का मतलब है मंत्र जाप करना चाहिए, चाहे जैसे भी परेशान करना पड़े लोगों को, लेकिन ईश्वर से जुड़ना चाहिए, जगदम्बा से जुड़ना चाहिए। और जो देवी माता से जुड़ गया तो इस बंगला में जो चौपड़ है ना, वो युग जीत करके जाता है, अपने पूरे पूर्वजों को तार के जाता है। देवी भागवत कथा से सात के पिता पक्ष, सात माता पक्ष और सात ससुराल पक्ष, माने 21 पीढ़ी तर जाते हैं देवी भागवत में। अभी हम लोग सब पिंड दान करा के आए हैं ना, 21 पीढ़ी को, ते ही 21 पीढ़ी है, तीनों तीनों के साथ सात पक्ष को तार देती हैं। ये देवी भागवत की कथा है। आप लोग कल सुने हैं, क्योंकि जब व्यास नारायण देवी भागवत की कथा जन्मेजय को सुना रहे हैं, और पूरे बाप बेटा की तो कथा है, सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया, माने व्यास नारायण के बेटा ने जन्मेजय के बाप को सुनाया, और व्यास नारायण ने परीक्षित के बेटा को सुनाया। जब भागवत की कथा सुने उसके बाद भी तक्षक नाग आया और परीक्षित को डसीच लिया, भले मरे के बाद डसा लेकिन डसबेच किया। तो इसी कारण जन्मेजय ने तो पहले यज्ञ करवाया, सभी सर्पों को मारूंगा करके, और नाम ले लेकर के ब्राह्मणों से मंत्र पढ़वाया। ब्राह्मणों के मंत्र में भारी शक्ति रहती है, जिसे ही उच्चारण हो जाए तो जिस तक्षक ने डसा था वह तक्षक देवराज इंद्र के सिंहासन में जाकर छिप गया। जन्मेजय ने कहा अभी तक क्यों नहीं आया? तो ब्राह्मणों ने बताया वो देवराज इंद्र के आसन में छिप गए। बोले देवराज इंद्र के संहिता आहुति दे दो। कांप गए देवराज इंद्र हड़बड़ाते सभी सर्पों को लेकर के। आस्तिक मुनि महाराज के पास गए, जो मनसा देवी का पुत्र है। काल सर्प दोष जिसको पड़ जाए ना, तो ये आस्तिक मुनि महाराज की कथा को सुन लेवे, तो उसके कथा सुनने मात्र से काल सर्प दोष कट जाता है। नासिक में जा करके 3 दिन पूजा कराओगे तो काल सर्प दोष कटेगा, और हरिद्वार में 1 दिन जाके आस्तिक की माता मनसा देवी का दर्शन कर लो, दर्शन करने से काल सर्प दोष कट जाता है। जब मनसा देवी का विवाह हुआ जरत कारु मुनि से, तो जरत कारु मुनि ने एक शर्त में विवाह किया था, क्योंकि विवाह का मुख्य कर्तव्य होता है अपने कुल को आगे बढ़ाने वाला बेटा मिल जाए, उसके बाद उससे दूर हो जाए और भगवान की भक्ति करे, मुख्य कर्तव्य होता है। तो जरत कारु मुनि ने कह दिया कि मनसा देवी जिस दिन तुम्हारा पुत्र हो जाएगा उस दिन मैं तुम्हें त्याग दूंगा,
जिस दिन तुम मेरे बात को नहीं मानोगी उस दिन मैं तुम्हें त्याग दूंगा। यदि तुम मेरे साथ विवाह कर रही हो, क्योंकि मैं साधक तपस्वी पूजा पाठ करने वाला, मैं अपने धर्म के मार्गों को बढ़ाने के लिए शादी कर रहा हूं। दो प्रकार के लोग विवाह करते हैं, एक भोग करने के लिए और दूसरे धर्म के मार्ग को बढ़ाने के लिए।